हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर, दैट इज मोशन इन प्लेन। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स को। तो वेक्टर्स का एकदम फाउंडेशन लेक्चर होने वाला है, एकदम बेसिक। कोई बड़े न्यूमेरिकल्स करने को नहीं मिलेंगे आज आपको, सिर्फ छोटी छोटी पजल्स टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जिनसे आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाएंगे। ये अपना फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर फोर्थ का। इसी तरह से बाकी सभी लेक्चर्स, चाहे इस चैप्टर के हो, प्रीवियस चैप्टर के हो, अपकमिंग चैप्टर के, सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर एकदम सीक्वेंस से एक ही प्लेलिस्ट में मिलेंगे, जिसका नाम है क्लास 11 फिजिक्स प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दी गई हैं, जरूर चेक करिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। आप शेयर नहीं करते हो भैया, जरूर शेयर करें, बिकॉज ये वीडियोस आगे तक जब पहुंचेंगी तो दिल को बहुत शांति मिलती है कि आज जो पढ़ाया वो कम से कम कुछ स्टूडेंट तक जा पाया। ये जो व्यूज है वो सिर्फ 10-50 स्टूडेंट तक सिमट करके ना रह जाएं, इसीलिए मैं कह रहा हूं इन वीडियोस को दबा करके शेयर करो। शेयर कर रहे हो तो कॉमेंट जरूर करना। हाँ चलिए, तो अभी हम बात करने वाले हैं वैक्टर्स के अंदर। सबसे पहले एकदम बेसिक से, एकदम छोटू सी चीज से स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर फिजिकल क्वांटिटी। अब आप सारे लोग जानते हो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, लेकिन फिर भी एक मिनट टाइम लगेगा भाई। Anything that can be measured is called physical quantity, है ना। इस दुनिया में हर वो चीज जिसको आप measure कर सकते हो आप उसको physical quantity कह सकते हो, चाहे वो आपकी height हो, length हो, मास हो, वॉल्यूम हो, एक्सेलरेशन हो, टाइम हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, ये सारी चीजें आपकी फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। अब हम इस फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, कौन कौन से, स्केलर क्वांटिटीज एंड आपका सेकेंड जो है दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी, है ना। बात सुनना है, एकदम एक कॉन्सेप्ट को अपन को समझना है। स्केलर क्वांटिटी हम किसको कहते हैं भाई, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, क्या ये चीज अकेली ये बात ठीक है? अच्छा चलो, वो क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसके साथ साथ आपको लिखना है कि भाई डायरेक्शन का इफेक्ट भी नहीं होता, है ना, नो इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन। बिकॉज कई बार कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है कि जिनके पास डायरेक्शन होती है लेकिन अपन उसको स्केलर क्वांटिटी नहीं कह पाते, है ना। तो नो इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन या फिर नो डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। मैं इसको भी एक्सप्लेन करने वाला हूं विद एग्जांपल, टेंशन मत लो, है ना। पहले नोट कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या है भाई। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होती है, ठीक है, एंड जो भी क्वांटिटीज वेक्टर होती है ये वेक्टर का अलग से लॉ होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, उसको फॉलो करते हैं। तो मैं इसका यहां पर लिख देता हूं, वेक्टर क्वांटिटी फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। देखिए अब हम बात करते हैं एकदम डिटेल में। जैसे मान के चलो मैंने कहा भाई स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी कहते हो, तो आपने कहा स्केलर क्वांटिटी वो है सर जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती। हाँ, अगर डायरेक्शन है तो उस डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि मास, है ना, अभी पूरी चीज को समझाऊंगा। जैसे मान लो भाई मास है, मास, अगर आप ये बताओ मुझे कि भाई मैंने कहा मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्लियर है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कभी आपने 5 किलो आलू तुलवाए, अब 5 किलो आलू चाहे आप यहां तुलवाओ या फिर यहां रख के तुलवाओ भाई, वो 5 किलो है तो 5 किलो आलू ही नजर आएंगे ना। मान लो आपने एक हाथ पे जो है 5 किलो आलू ऊपर रख लिए और एक हाथ पे 5 किलो आलू नीचे रख लिए, तो वो बताओ 0 किलो आलू बन जाएंगे क्या? नहीं, दैट विल बी योर 10 kg आलू, समझ गए ना। तो आलू, आलू की बात समझो आप, है ना। तो आलू दैट मीन्स जो मास है उसके पास डायरेक्शन का कोई इफेक्ट है नहीं, ऊपर से रखो नीचे से रखो कोई मतलब नहीं है, है ना। तो मतलब जो मास है उस पर डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपसे कह देता हूं कि भाई ये चीज देखे ना, फोर्स की बात कर रहा हूं, मान के चलो ये ब्लॉक है मेरे पास, अब इस ब्लॉक पर मैंने 10 N का फोर्स लगाया यहां पे, ठीक है, अब मैंने ये मूव करेगा आगे, आप जानते हो मैंने एक और 10 N का फोर्स लगाया इस ब्लॉक पर, ये आगे मूव करेगा। लेकिन यदि मैं इसी ये 10 N के फोर्स की डायरेक्शन को बदल दूं और ये 10 N फोर्स यहां लगा दूं तो आप मुझे बताइए क्या ये 10 N फोर्स, क्या ये 10 N फोर्स जो है जब यहां पर लगेगा तो अब ये आगे बढ़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। दैट मीन्स यहां पर क्या हुआ कि इस बॉडी पर लगने वाला जो नेट फोर्स हो गया वो कितना हो गया? 0। क्या ये बॉडी आगे बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, है ना। क्यों? क्योंकि एक 10 N प्लस एक 10 N माइनस, तो प्लस 10 माइनस 10 कितना आया? 0। समझे क्यों? राइट वाले को आपने प्लस मान लिया, लेफ्ट वाले को माइनस मान लिया, इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया? 0। क्या बॉडी आगे बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो बस यही चीज है कि फोर्स जब इस डायरेक्शन में लग रहा था तो दोनों जो है 10-10 मिलकर 20 N का फोर्स लगा रहे थे, बढ़ा रहे थे, उसको आगे बढ़ा रहे थे,
लेकिन जब यही फोर्स जो है डायरेक्शन बदल गई तो फिर क्या हुआ, तो फिर ये जो है इसका जो रिजल्ट है वो बदल गया। तो यहां पर क्या हुआ कि फोर्स की डायरेक्शन बदलने से, फोर्स की डायरेक्शन मैटर कर रही है, फोर्स की डायरेक्शन बदलने से रिजल्ट बदल रहा है। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन मैटर करती है। इसके अलावा हमने पढ़ा हुआ है वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, इस साइड जा रहा है पॉजिटिव, इस साइड जा रहा है नेगेटिव, यहां पे जा रहा है जीरो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका वेलोसिटी को बता रहा है, ठीक है। वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, जबकि स्पीड, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसको जो है लेफ्ट राइट से कोई मतलब है ही नहीं। इसके अलावा हमने कहा भाई वेक्टर एडिशन क्या होता है ना, देखो तो फोर्स वेलोसिटी का करते हैं, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं, समझ गए ना। ये 10 न्यूटन राइट में जा रहा है आपने उसको पॉजिटिव मान लिया, 10 न्यूटन जो है लेफ्ट में जा रहा है आपने उसको नेगेटिव मान लिया, क्लियर है। तो ये आपका जीरो हो गया। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बेसिकली ये कहता है कि आप जो है ना जब भी एडिशन करो तो प्लस माइनस का जो साइन है वो डायरेक्शन के हिसाब से लगा, वो लेफ्ट में जा रहा है तो नेगेटिव, राइट में जा रहा है तो पॉजिटिव, एंड सो ऑन, इस तरह चलाते रहेंगे। लेकिन अब एक क्वांटिटी ऐसी भी है जिसके पास जो है डायरेक्शन भी होती है ना, डायरेक्शन भी होती है लेकिन वो वेक्टर नहीं होती, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर जो है नीचे जा रहा है, ठीक है, और 5 एम्पियर ऊपर जा रहा है, तो करंट के पास डायरेक्शन तो है, तो इस बेसिस पर करंट को वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए था, लेकिन लेकिन इसकी डायरेक्शन का वो इफेक्ट नहीं है, समझे। या फिर मैं ऐसे कह दूं कि ये जो है इसके पास डायरेक्शन तो है, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो करंट है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का कहता है कि 5 एम्पियर ऊपर तो प्लस 5, 5 एम्पियर नीचे तो माइनस 5, तो इस जंक्शन पर आकर के करंट को हो जाना चाहिए था जीरो। लेकिन हम देखते क्या है कि यहां पर करंट तो आपको मिल रहा 10 एम्पियर। भाई करंट में ऐसा होता है कि जो इनपुट है वो आउटपुट बनेगा, तो बात समझ रहे हो। तो मेन चीज क्या हुई कि करंट के पास डायरेक्शन होते हुए भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर है, बिकॉज करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। बस ये बात आपको समझनी है ना। तो आप वेक्टर में एक बड़ी चीज समझ गए ना। तो अभी वेक्टर जो होते हैं इनका रिप्रेजेंटेशन, जैसे मान लीजिए अब आपको समझ में आ गया कि दो टाइप की क्वांटिटी आपकी स्केलर और वेक्टर। अब वेक्टर जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किया जाता है किसी अल्फाबेट के ऊपर आप एक एरो लगा दें, ठीक है, या फिर किसी अल्फाबेट को आप बोल्ड लेटर में लिख दें, एनसीईआरटी में ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर कई जगह आपको ये एफ बार वगैरह जो जो भी करके मिल जाता है, तो ये आपका वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन वो है एरो, ठीक है, एरो सबसे ज्यादा जो है आप लगाओगे और यूज करोगे उसको। तो भाई देखो, अगर मैंने कहा कि एरो, एरो जैसे मान लीजिए ये एरो है और ये किसी वेक्टर को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को, मान लो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो इस एरो का जो जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको हम कहते हैं टेल, और ये वाले पॉइंट को हम कहते हैं हेड, ठीक है। तो ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, तो उस एरो का जो साइज होता है ये बताता है मैग्नीट्यूड, इस एरो का जो साइज होता है ये बताता है मैग्नीट्यूड, यानी कि कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर है वो कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, ये इस एरो का साइज होता है मैग्नीट्यूड। तो भाई किसी एरो का साइज अगर बड़ा है तो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, लेकिन किसी का छोटा है तो उसका मैग्नीट्यूड छोटा है ना, बात समझो। लेकिन कहने का मतलब समझिए, यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि एफ के ऊपर आप एक बार जो है बड़ा मैग्नीट्यूड, बड़ा जो है एरो लगाओगे और दूसरे एफ के ऊपर आपने छोटा एरो लगा दिया, ये नहीं। इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई एरो जो है अपना एक बड़ा एरो दिखा दिया और एक छोटा एरो दिखा दिया, तो बड़ा एरो आपका रिप्रेजेंट कर रहा होगा 10 न्यूटन को, छोटा रिप्रेजेंट कर रहा होगा 5 न्यूटन को। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ा एरो का मतलब जो है ये जो है ज्यादा है तो इसके ऊपर लगा दो, समझे ना, ये नहीं। तो इस तरह से एरो का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, क्लियर। नाउ अभी हम बात करेंगे वेक्टर्स में कुछ रूल होते हैं, वेक्टर में कुछ रूल होते हैं। चलिए तो मान के चलिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि वेक्टर में एक बड़ा ही बेसिक सा कांसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं फ्री वेक्टर, ठीक है, फ्री वेक्टर या कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, जो ये कहता है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम 1.2 अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, बट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। हम डायरेक्शन नहीं बदल सकते, डायरेक्शन एंड साइज,
मतलब आप सोचो कि आप एरो का जो है साइज छोटा कर दें या डायरेक्शन बदल दें तो आप वो काम नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं फ्री वेक्टर। ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। फॉर एग्जांपल, फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब क्या होता है? जो एक जगह पर फिक्स ना हो उसको अपन फ्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अपने पास एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ठीक है। अब मुझे इस वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कराना है, इस वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कराना है। कई बार इसको पैरेलल शिफ्टिंग भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है। नाउ अब देखो, अगर मुझे इसको कहीं भी शिफ्ट कराना है तो मैं इसका क्या नहीं बदल सकता? विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, मतलब इसका जो एरो ऊपर है ऐसे, ये नहीं बदल सकता, और ना ही साइज छोटा कर सकता। तो मैं कहां ले जा सकता हूं उसको? या तो आगे, आगे ले सकता हूं, मतलब इसका जो हेड है वो यहीं पे पॉइंट करना चाहिए, तो मैं इसको कितना भी चाहे कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकता हूं, मैं इसको कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकता हूं। समझ गए? चलिए ओके, नाउ मैं इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूं। अच्छा, लेकिन अच्छा, आप ये भी कह सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन इतना भी रख दो तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बिकॉज कई बार जो है ना, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है कि भाई आपने जो है इसको एक्सटेंड कर दिया तो इसका साइज बड़ा हो गया। एक्चुअल वो साइज बड़ा नहीं होता, है ना। एक्चुअल में आप पूरा का पूरा जो वेक्टर है उसको शिफ्ट करते हो, ठीक है। तो चलो मान लो मैंने इतना कह दिया, मैग्नीट्यूड तो अपन वैसे भी चेंज नहीं करते हैं, कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन इसकी नहीं बदलनी। तो मान लो अगर आपके पास ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर, तो अगर आपको उठा करके इसको कहीं भी रखना है तो आप क्या करेंगे? इस वेक्टर को आप इतना आगे बढ़ा सकते हो। मैं इसका साइज नहीं बढ़ा रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मैंने इसको उठा करके यहां पर रख दिया। समझ गए? तो ये वेक्टर मैंने इतना शिफ्ट कर दिया। मैं चाहता तो इसको यहां से भाई मैं इसकी डायरेक्शन बदल सकता, मतलब इसको ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इसको नीचे तो ले जा सकता हूं, तो ये मेरा पैरेलल शिफ्टिंग हो जाएगा। ऊपर तो ले सकता हूं, ये पैरेलल शिफ्टिंग हो जाएगा, है ना। मैं इसको यहां से ला करके ऐसे, ला करके ऐसे, और यहां ले जा सकता हूं। ये सब कुछ किस में आएगा? ये सब कुछ आएगा पैरेलल शिफ्टिंग में। समझ गए? तो इसको हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर। द वेक्टर विच कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर और कैन बी शिफ्टेड पैरेलली इज कॉल्ड फ्री वेक्टर, ठीक है। अब ये फ्री वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली यूज होता है दो वेक्टर के बीच में एंगल बताने में। ये बहुत जरूरी बात है, दो वेक्टर के बीच में यदि आपको एंगल बताना है तो वहां पर फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। चलिए, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे बताते हैं ये जान लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है? नाउ क्या करेंगे? सबसे पहले मान के चलो कि ये आपके पास एक वेक्टर है। अच्छा, पहले एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा कैसे बताया जाता है? इसका एक बड़ा ही सिंपल सा रूल है कि जो एंगल होगा हमेशा वो टेल टू टेल कंसीडर किया जाएगा। टेल टू टेल, है ना, मतलब एक वेक्टर के पास टेल और हेड से रिप्रेजेंटेशन करते हो, तो टेल टू टेल जो है वो हमेशा मिलाने होते हैं वेक्टर के, टेल टू टेल, तब जाके एंगल बताएंगे। और दूसरी जो सबसे कॉमन और जरूरी बात है कि हमेशा जो एंगल लोगे आप वो शॉर्टर एंगल होगा, शॉर्टर एंगल मतलब छोटा वाला एंगल होगा, है ना। चलिए बताएंगे कैसे। मान के चलो कि ये आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, और एक ये वेक्टर है इस तरह से। चलो यहां बता देता हूं मैं, चलो ठीक है, देखना ठीक। अब मैंने कह दिया कि भाई इनके बीच में जो एंगल है वो, चलो ये आपका ऐसा दिख रहा है, ये इस तरह से, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ऐसे ले लिया मैंने मन से, और ये हो गया आपका बी वेक्टर। अब आपसे कह दिया कि ये बताओ उनके बीच में एंगल कितना है, एंगल कितना है, इसको रिप्रेजेंट, इसको ड्रॉ कर लो। चलो तो आपने कहा सर 90 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप 90 डिग्री यहां नहीं दिखाओगे। आपको 90 डिग्री कैसे दिखाना पड़ेगा? भाई ये होगा बी वेक्टर, ये देखो, ये इसके बी की टेल और ए का हेड नहीं मिल सकता। समझ गए? क्या करना पड़ेगा आपको? इस ए को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, ये पहुंच गया ऊपर। अब देखो इन दोनों की टेल से टेल मिल गई, अब ये आराम से आप यहां पर 90 डिग्री शो करो। समझे? एक और एग्जांपल देते हैं आपको। समझ गए? तो हमेशा वेक्टर को कैसे मिला होना चाहिए? टेल टू टेल। जैसे देखो, मान के चलो कि ये आपके पास ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया आपके पास बी वेक्टर, ठीक है, ये ऐसा। नाउ अब देखना, इन दोनों के बीच में एंगल दे दिया, मान के चलिए आप 1
ठीक है 120 डिग्री, ठीक। अच्छा ये एंगल दे दिया, अब आपसे ऐसे पूछ लिया कि भाई फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो क्या बताओगे, क्या बताओगे जरा बताओ। तो भाई आंखें बंद करके ऐसे केस में आप 180 माइनस थीटा लगा सकते हो, ठीक है सही हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन बताया किस तरह जाता है, ये ए वेक्टर को चलो ऐसे रख लो, हम चाहें तो ए को भी शिफ्ट कर सकते हैं, इस बी वेक्टर को एक्सटेंड करा दो, ये बी वेक्टर को एक्सटेंड करा दो। तो ये ए वेक्टर यहां रखा हुआ है, अच्छा ये बी वेक्टर यहां से यहां पहुंच गया, ठीक। अच्छा अभी ये एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री, और ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री, तो भाई ये कितना बचेगा 60 डिग्री, ये कितना बचेगा, ये देखो पूरा 180 है, ये जब ये वेक्टर एक्सटेंड होकर यहां पहुंच जाएगा कितना बचेगा 60 डिग्री, समझे। तो आप बात को समझिए, अगर टेल टू हेड, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि यदि टेल टू हेड जोड़ने पर, टेल टू हेड जोड़ने पर मान लो अगर एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है, तो आपका टेल टू टेल जोड़ने पर हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है ना, 62 120। अगर आपका हेड टू हेड जुड़ा है, क्या हेड टू हेड, और हेड टू हेड जुड़े होने पर एंगल आपको बताया जा रहा है 30 डिग्री, तो आप उसको टेल टू टेल भी जोड़ोगे ना, तो वो आपका 30 डिग्री ही बनेगा। कैसे बनेगा इसको जान लेते हैं, बात समझ रहे हो ना। तो देखो ये देखो, मतलब इसको आप 180 माइनस थीटा बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो मान के चलो ये कंडीशन बन रही है आपकी कि ये आपका जुड़ा हुआ है ये हेड, और ये भी हो गया एक और हेड, चलिए वैसे तो ये 35-30 डिग्री ज्यादा है, चलिए लेकिन मैंने इसको मान लिया कि ये भी हो गया आपका 30 डिग्री, ये आपका ए है और ये आपका बी है, क्लियर। अब आपसे कहा जाए कि आप क्या करें, भाई हेड टू हेड जुड़ा 30 डिग्री, तो एंगल इसका 30 डिग्री बनेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको टेल टू टेल जोड़ के जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप एक काम करें कि ये इस तरह जुड़ा हुआ है, आप इसको एक्सटेंड कराएं बी को, तो बी पहुंचेगा आगे ये इस तरह से, ठीक। आप इस ए को एक्सटेंड, मतलब बी यहां पहुंच गया तो इस बी की टेल यहां आ गई, समझ गए। अब ए देखो, ए कहां है, ए अगर आपका यहां पहुंच गया तो ए की टेल कहां आ गई, यहां। तो देखो चेक करो, ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, भाई एंगल अल्टरनेट एंगल बनेगा या नहीं बनेगा, भाई 30 डिग्री तो बन गया 30 डिग्री, समझ रहे हो। तो जो आपका हेड टू हेड कनेक्ट है वही आपका ऑलमोस्ट एंगल बनता है टेल टू टेल में, समझ गए ना। वैसे भी देख लो तो आपको ये इतना समझ में आ जाएगा कि भाई ये आपका 150 डिग्री हो रहा था, ठीक है, फिर इसी तरह से अगर आपका ये 150 डिग्री है तो ये 30 डिग्री, मतलब कैसे भी कर लो ये आपके ये दोनों आपके अल्टरनेट एंगल हैं, ये बन रहे हैं, समझ गए। तो इस तरह से आप जो है एंगल्स को बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मान लो एक आध क्वेश्चन आपको इस तरह से भी कभी कभी जो है घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है, जैसे मान के चलो ये दे दिया, ये एक एंगल और ये दूसरा एंगल, मान के चलो ये दे दिया आपको 210 डिग्री, ठीक है, और पूछ लिया कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो कितना बताओ, बोला सर ये तो टेल टू टेल भी जुड़ा हुआ है, ये तो टेल टू टेल जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको कितना बताना है 210 डिग्री बता रहा है, तो इसका मतलब 210 डिग्री सही है। लेकिन हमेशा याद रखना कि एंगल कभी भी 180 डिग्री से ज्यादा बताना ही नहीं है, समझ गए, क्योंकि देखो 360 डिग्री, ठीक है 360 डिग्री में से आप 210 माइनस करो कितना आएगा 0 और ये 1 और ये, ठीक है 50, तो मतलब ये जो एंगल आप बताओगे कितना बताओगे ये बताओगे, हालांकि ये मैंने उल्टा बता दिया ना, ठीक है चलो मान के चलो ये आपका 150 डिग्री बन रहा है, 150 मैंने बड़ी वाली साइड दिखा दी, ठीक है ना। तो ये आपको कितना होगा, ये आपका 150 डिग्री है ना, समझ गए। तो टेल टू टेल में अगर आपका 210 डिग्री बन रहा है 150 डिग्री, तो हमेशा कौन सा एंगल होगे, शॉर्टर एंगल, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है कभी कभी इस तरह से भी दो चार मतलब ब्रांच में बना के उसको कॉम्प्लेक्स टाइप दिखा दिया जाता है, लेकिन होगा वो सिंपल ही, जैसे कि आपसे ऐसे कह दिया कि भाई ये आपके पास एक ब्रांच है और यहां पर जा रहा है ए वेक्टर और इसी डायरेक्शन में जा रहा है बी वेक्टर, इसके बाद यहां पर दिखा दिया ये हो गया सी वेक्टर और सी जो है एंगल बना रहा है इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ जो है 30 डिग्री, और यहां दिखा दिया डी वेक्टर और डी एंगल बना रहा है, चलिए डी एंगल बना रहा है किसके साथ, इसके साथ जो है ओके चलो 40 डिग्री। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड
बी वेक्टर, दूसरा क्या ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये पूछ लिया जाएगा। थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल ले अपन। हाँ चलिए, ए वेक्टर इस तरह से आपको बताना है, बता दोगे ना, बड़ी सिंपल सी बात है। कैसे बताओगे, जरा ट्राई करो इसको, जरा इसको ट्राई करो, ट्राई करो जरा इसको। तो देखो क्या करना पड़ेगा अपन को, इसको ड्रिप लग रही है भाई अभी, देखिए क्या करें। देखो अगर आपको ए और बी को देखना है तो भाई ए कहाँ जा रहा है, देखो ये जा रहा है ए, बी कहाँ जा रहा है, बी बी इसी लाइन में, भाई इसकी इसकी टेल मिला दो, ये आगे बढ़ जाएगा, इसकी टेल मिल जाएगी, ये बी हो गया, एंगल कितना बन रहा है जीरो डिग्री, है ना, थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, ए और बी के बीच में बन गया थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। नाउ अब देखिए, अब आपको जोड़ना है भाई ए, ये रहा ए, सी रहा ये, सी को ले जाओ ऊपर खिसका दो भाई, सी हॉरिजॉन्टल 30 बना रहा है ना, तो ए और सी के बीच में 30 हो गया। नाउ इसी तरह से आप इसको देख लो भाई, डी को देख लो, डी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है 50, ठीक है, तो आप ये देख लो भाई ए ये रहा और डी हॉरिजॉन्टल 50 बना रहा है, तो ए और डी के बीच में एंगल जो हो जाएगा 50 हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। नाउ तो अगर इस तरह से ये ए होता ये डी होता तो आप यहाँ पर एंगल बता देते कि भाई ये 80 डिग्री बन रहा है, मतलब 180 डिग्री, क्लियर है। तो ये छोटी बात है, इसमें कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा इसके बाद जो है ना अपन को समझना है, क्योंकि एंगल अपन जान रहे हैं तो हमें मतलब वेक्टर्स में डायरेक्शन जो है मैटर करती है, तो यहाँ पर कई बार नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में भी कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है ना, तो कैसे करेंगे अपन जरा इसको जान लो। देखिए मतलब अगर आपसे कह दिया कि आप जो है जा रहे हो, पहली चीज हमेशा याद रखो कि जब भी आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये बताते हो तो बहुत सारे बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में तो रहते नहीं है, वो तो गलत कॉन्सेप्ट में रह जाते हैं, हालांकि कॉन्सेप्ट वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ये मान लो ये ईस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया, तो काफी सारे इसको मैं अपनी वीडियोस में कभी से कम 50 बार बता चुका हूं, जब भी याद आए तब तब यही बात बताता हूं कि भाई ध्यान रखो कि जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, ये ऐसा नहीं बोला ईस्ट ईस्ट वेस्ट, तो बच्चों ने मान लिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट ये हो गया, बोला नॉर्थ कहां, बोला नॉर्थ ऊपर, साउथ को बोला साउथ नीचे, नहीं, ये जो आपको हमेशा बताया जाता है ये एक प्लेन पर बताया जाता है, कहां पर, एक प्लेन पर, ऐसे ये क्या बताया, ये हमेशा एक प्लेन पर, ये देखो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, समझे। तो बोला ऊपर वाला इसको बोलते हैं वर्टिकली अपवर्ड, इसको बोलते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, क्लियर है ना। तो अब देखो यहां पर ये क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो मतलब ये जो प्लेन, ये जो सिस्टम आपको दिखाया जा रहा है ये ग्राउंड पर है, जमीन पर, इससे पहले ही मैंने आपको वीडियो में बताया है, समझे ना, जब अपन ने डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन किए थे। नाउ तो अभी देखिए कंडीशन को समझिए कि आपके पास ये बन रहा है, नाउ क्या करेंगे, अब आपसे कह दिया कि बताइए, जैसे मान लो आप यहां खड़े हो, ठीक, आपने कह दिया कहां खड़ा हूं मैं, तो भाई ये तो हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, तो आपने इसको नॉर्मली कह दिया कि मैं खड़ा हूं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि आप ईस्ट से चल के आप पहले थे ईस्ट में और अब जो है आप नॉर्थ में पहुंच गए यहां पर, ठीक है, आप मतलब कहां से चल के गए हो, आप ईस्ट से चल के गए हो, ठीक है, और आप यहां पे पहुंच गए इस पॉइंट पे, तो आप इसको क्या बोलोगे, क्या अभी भी आप इसको नॉर्थ ईस्ट बोलोगे, नहीं, क्या बोलोगे, पहले देखो 30 डिग्री चल के गए हो ना, तो आप इसको बोलोगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट के साथ एंगल बन रहा है, इसलिए आपने इसको बोला 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। जैसे मैं आपको बताऊं मान लीजिए कि अगर आप यहां से 30 डिग्री चल, मतलब ये बताता है इनिशियल पोजीशन, इसका मतलब है कि पहले आप ईस्ट में थे और ईस्ट से चल के नॉर्थ में इतना पहुंच गए हो, अगर आप यहां से एंगल बताते, यहां से इसको भी आप नॉर्थ ईस्ट कहते हो, लेकिन होता क्या 30 डिग्री, इसका मतलब अगर आप ये चलो मान लो आपने ए दिखा दिया, अब अगर आप बी को दिखा रहे हो, बी को, तो बी को भी क्या बोलोगे 30 डिग्री, अब देखो अब क्या बोलोगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसका मतलब यह कि आप हो तो नॉर्थ ईस्ट में ही लेकिन नॉर्थ से चलते हुए आ रहे हो, समझ गए। अगर आपको बताना है इसको, बताइए जरा, देखो ये आपका क्या है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, और ये मान लो ये 40 डिग्री, तो क्या बोलोगे 40 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, यानी कि साउथ से चल के आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, समझे ना बात को, ये चीज है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन सेंस बता सकते हैं, ये बड़ी छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नाउ अभी हम आते हैं वेक्टर्स के टाइप्स पर, कि वेक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो देखो वेक्टर तो वैसे काफी सारे टाइप के होते हैं,
अपन रिप्रेजेंटेशन देख लिया। वेक्टर के टाइप पर अगर अब हम अगर आए तो वेक्टर आपके कई टाइप के होते हैं, वेक्टर आपके कई टाइप के होते हैं, लेकिन उन कई टाइप में से कुछ एक वेक्टर जो होते हैं वो बड़े फेमस हैं। जैसे सबसे फेमस वेक्टर मतलब सबसे पहले अगर मैं सीक्वेंस से बताऊं इसको अभी, तो आप ये मान के चलिए पहला जो टाइप है वो है आपका फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर तो अपन ने पढ़ लिया ना। तो अभी आप देखो इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। अब देखो इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल नाम क्या बता रहा है भाई, नाम क्या बता रहा है, बराबर भाई। तो वो वेक्टर्स जो एक दूसरे के बराबर हो, या ये कहूंगा जिनका सब कुछ एवरीथिंग, जिनका सब कुछ एक दूसरे के बराबर हो, उन वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। अब इस सब कुछ में क्या आता है, सब कुछ मतलब यूनिट भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ठीक है, और साइज साइज भी सेम होना चाहिए। तो इन वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं, है ना। अच्छा एक और चीज भाई, नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी। मतलब अब आप जो है, अगर आप इस वीडियो को कल क्या डेट है 29th में, तो अगर आप इस वीडियो को 29th में 2021 में देख रहे हो तो आपको नोट्स एक आध दिन में मिल जाएंगे। अगर आप कुछ दिन बाद देख रहे होगे तो जरूर नोट्स अपलोड हो गए होंगे, तो डाउनलोड कर लेना उसको, है ना। यूट्यूब पर सर्च करना क्लास 11th चैप्टर 4th फिजिक्स नोट्स बाय अभिषेक साहू, एकदम शानदार क्वालिटी नोट्स आपको मिलेंगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे ना। तो इक्वल वेक्टर किसको कहते हैं, इक्वल वेक्टर आर दोज वेक्टर्स विच हैव सेम साइज कॉमा सेम यूनिट एंड डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, याद रखना। दूसरा जो होता है इक्वल वेक्टर, दूसरा जो होता है वो होता है नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर में आप यहां पे लिखें, नेगेटिव वेक्टर में आप यहां पे लिखना कि सब कुछ सेम है, मतलब यूनिट सेम, ठीक है, साइज सेम, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन होते, मतलब एक वेक्टर आपका ये रहा 10 न्यूटन और एक वेक्टर आपका ये रहा 10 न्यूटन, तो ये आपके नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। इसके बाद जो सबसे, ऐसे तो बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे वेक्टर होते हैं, जैसे मान लो, चलो मैं आपको एक छोटे छोटे एग्जाम्पल बता दूं, जैसे जो बढ़िया से जो है एग्जाम्पल देता हूं, मान के चलो कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो आप यहां पे लिखिए वेक्टर्स हैविंग सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। अब इसको समझो, कोप्लेनर वेक्टर में क्या होता है कि भाई वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई करें उसको हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। जैसे कि मान के चलो अगर मेरे पास ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है। अब ये मेरे पास वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये मैं कुछ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जरा आप ध्यान से देखना, तो अगर ये मेरे पास एक शीट है, ठीक, ये मेरे पास एक प्लेन है और ये मेरे वेक्टर हैं। तो अब ये देखो, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट जो वेक्टर्स हैं, ये तो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, जबकि तीसरा वाला जो वेक्टर है ये इस प्लेन से बाहर निकल रहा है, आउटवर्ड जा रहा है। तो ये दोनों वेक्टर तो होंगे कोप्लेनर वेक्टर, जबकि ये वाला वेक्टर ये कोप्लेनर नहीं है, समझ गए ना, दिस वेक्टर इज नॉट कोप्लेनर। जबकि अगर मैं इसको यहां पर देखूं इस प्लेन में, तो देखो इस प्लेन में आप देखोगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो आप देखोगे कि रेड और ब्लैक तो इस रजिस्टर के प्लेन में है, इसके पैरेलल, मतलब वो वेक्टर्स जो किसी प्लेन के पैरेलल हो उसको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। तो रेड और ब्लैक कोप्लेनर है, जबकि इस कंडीशन में व्हाइट वाला नहीं है। तो आप ये देखिए, अगर मैं यहां पर जो है एक और मार्कर अगर मुझे मिल जाए, चलिए ये ग्रीन मुझे मिल गया, तो आप ये देखो, ये मैंने फंसा दिया इस तरह से, गिर ना जाइए। तो अगर मैं यहां पर देखूंगा तो ये तीन वैक्टर मुझे कोप्लेनर दिखेंगे, ये तीन वेक्टर कोप्लेनर है, जबकि चौथा वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। जैसे मैं इसको अभी देख लूं, ये तीन वेक्टर कैसे हैं, ये तीन वेक्टर जो हैं ये कोप्लेनर हैं,
ठीक है, ये तीन वेक्टर को प्लेनर है, जबकि चौथा जो रेड कलर वाला वेक्टर जो दिख रहा है आपको, ये मेरे हाथ से छूट रहे हैं, ठीक है, तो चौथा जो वेक्टर है ये को प्लेनर नहीं है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये बात आपको समझनी है। तो आप कम से कम ये मान के चलिए एटलीस्ट टू वेक्टर्स विल बी को प्लेनर, है ना, अगर दो वेक्टर आपके पास है तो वो हमेशा हमेशा को प्लेनर होंगे होंगे, आप उनको कैसे भी रख लो। जैसे मान लो आपने कहा सर ऐसे रख लो उनको, ठीक है, ऐसे रख लो, ऐसे दिखाओगे सर इसको ऐसे, ये आपका कोप्लेनर है क्या? हाँ, ये वाले प्लेन के लिए अगर आप देखो कोप्लेनर है, अगर ऐसे रख लिया तो ये वाले प्लेन के लिए, समझ गए अब आप समझदार हो, बहुत सारी चीज नहीं बतानी आपको ना, तो कोप्लेनर वेक्टर समझ गए, वो वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाया करें। तो आप यहां पर लिखिए टू वैक्टर्स विल बी या विल ऑलवेज बी कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। चलिए अब मैं काफी सारे जो टाइप्स हैं उनको एक बार लिख लेता हूं, तो डायरेक्ट आपको वहां पर बताता चला जाऊं। तो अभी देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में, जैसे फ्री वेक्टर तो अपन ने पढ़ लिया कि जिसकी अपन पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं उसको फ्री वेक्टर हम कहते हैं। नाउ अभी देखिए पोजिशन वैक्टर क्या होता है, पोजिशन वैक्टर को समझिए, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो ये यूनिट वैक्टर, इसको समझे बिना मत जाना, ये मेरी रिक्वेस्ट है, इसको समझे बिना मत जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर का टाइप है। देखिए तो पहले बात करेंगे पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो कि किसी पॉइंट की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ ये कहना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मान के चलो ये ओरिजिन है, और ओरिजिन से ये वाला जो पॉइंट पी है ये कितनी दूरी पर है ना, किस पॉइंट पर है, इसको बताने के लिए पोजीशन वेक्टर का यूज किया जाता है, और बेसिकली हम इसको R1 R2 उस तरह से लिख देते हैं। नाउ अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, टेल्स डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एनी प्लेन, है ना, इन अ प्लेन। तो देखिए मान लीजिए कि अपने पास ये एक अभी जो है ना, अभी कोई एक पार्टिकल है, अभी वो इस पॉइंट पर है, अब इसके बाद वो कुछ एक समय के बाद पार्टिकल पहुंच गया यहां पर, तो हमने कहा कि इसकी डिस्प्लेसमेंट मतलब इसकी जो पोजीशन है वो है R2 वेक्टर। तो पहले कहां था, यहां पर, अब कहां है, यहां पर, तो इन दोनों के बीच हम एक वेक्टर डालेंगे जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पहले कहां पर थे, R1 पर, अब कहां पर, R2 पर, तो ये हो जाएगा आपका R21 वेक्टर, मतलब R21 वेक्टर को आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब R1 से R2 तक, तो इनिशियल से फाइनल तक, तो आप इसको लिखते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इस तरह से आप इसकी पोजीशन भी मतलब डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो। आई होप आपको ये दिखाई दे पा रहा हो, क्लियर है ना। तो देखिए तो मान के चलो इनिशियली आप यहां पर थे ओरिजिन से 5 मीटर पर, फिर आप ओरिजिन से 9 मीटर पहुंच गए, तो आप इसकी जो डिस्प्लेसमेंट बताओगे 9 - 5 = 4 करके बता दोगे, तो एरो जो लगता है ना वो डायरेक्शन ही बताता है कि आप किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुए, क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है आपकी डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। पोलर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स हैविंग सम स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्लियर है ना। तो भाई जिन वेक्टर के पास कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे कि मान लो डिस्प्लेसमेंट ही आप देख लो, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक पोलर वेक्टर, क्योंकि इसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना। इसके अलावा आप देख सकते हो जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट किसके पास होता है, इनिशियल पॉइंट, जैसे फोर्स, आप किसी पॉइंट से फोर्स लगाना स्टार्ट करोगे ना, तो ये पोलर वेक्टर में आते हैं, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये पोलर वेक्टर में आते हैं ना। इसके बाद है को इनिशियल वैक्टर, तो जैसे मान लो वो वैक्टर जो सारे के सारे एक ही पॉइंट पर जाकर के खत्म हो रहे हैं, उसको आप बोलोगे, सॉरी उल्टा बोल दिया, यदि कोई वैक्टर एक पॉइंट से ही स्टार्ट होते हैं आप इसको को इनिशियल वैक्टर कहते हो, जिनकी टेल जुड़ी हो, ठीक है, और वो वैक्टर जो एक ही पॉइंट पर जाकर के टर्मिनेट हो, खत्म हो, एंड हो, ठीक है, टाटा बोले, बाय बाय बोले, उन सबको हम कहते हैं को टर्मिनस वैक्टर। इसके अलावा ठीक है ये हो गया कोलिनियर वेक्टर, क्या है भाई कोलिनियर, इन लाइन, एक ही लाइन में हो, उनको हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं है, देखो मान लो ये आपके पास ये रहा एक ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, इसी पे दिखा दी, ये मान लो दोनों की टेल है, ठीक है, दोनों सेम साइज के भी होते लेकिन दिखाने में थोड़ा सा परेशानी आती है। हाँ देखो भाई जिन वेक्टर के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 बने, भाई टेल से टेल जुड़ी है, तो आप इसको क्या बोलो, कोलिनियर। अब कोलिनियर में अब भाई थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, ये दो वैक्टर हैं, कोलिनियर वैक्टर को ही हम पैरेलल वैक्टर कहते हैं, तो भाई ये दो वैक्टर हैं इनके बीच में एंगल कितना है,
शिफ्ट कर लो तो थीटा इज इक्वल टू जीरो निकल के आएगा। तो जो पैरेलल वेक्टर हैं इनके बीच में भी एंगल हमेशा कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते ऐसे तो एंगल होता 180 डिग्री और आप इसको बोलते एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल वेक्टर। तो आप मान के चलें कि कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर एक ही होते हैं, दोनों के केस में आपका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बनता है। कोलिनियर में आप इसको भी कोलिनियर में ही रखते हैं बट ये एंटी पैरेलल होता है। नाउ अभी देखिए यूनिट वेक्टर सदी का सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर, ठीक है, सदी का सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसको महान और अद्भुत शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये जो वेक्टर है ये किसी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम आता है। जैसे मान के चलो मैं आपको बड़ी सिंपल सी बताता हूं, ठीक है, द वेक्टर व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्शन टू अ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है सम्मान यानी कैप के साथ। मान के चलो ये ए है, ठीक है, तो ए के ऊपर अगर आपने कैप लगा दी इस तरह से तो ये आपका ए कैप, बोलोगे इसको ए कैप, लेकिन ये हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। इसको कैसे बोलोगे? यूनिट वेक्टर अलोंग ए, ए कैप। इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए अपॉन इस ए वेक्टर का मॉड, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। हालांकि अपन इसको सॉल्व करना सीखेंगे, आगे हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है, लेकिन जो है कैसे करेंगे चलो ये बताता हूं आपका। वेक्टर ए तो आपको लिखा ही होगा, वेक्टर ए आपके पास लिखा होगा, बट जो मॉड होता है वो कैसे निकाला जाता है? जैसे मान लो ए वेक्टर की वैल्यू आपको दे दी गई कितनी, 2i कैप + 4j कैप + 6k कैप। तो आप क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है ना तो तीनों वैल्यूज को, हालांकि इसके लिए ऊपर अलग से लेक्चर आएगा, 2² + 4² + 6² कर देना, आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ए निकालोगे आपको पता पड़ जाएगा, क्लियर ना। अब मान के चलो मैं इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि अपन ने मान लिया कोई भी प्लेन, मतलब 3D में एक पॉइंट है, ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट यहां से 5 मीटर की दूरी पर है यहां से। अब ये पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, अपन इसको यूनिट वेक्टर के जो है फॉर्म में बताएंगे। जैसे कि मान लो भाई ये एक्स में जो है ना, यहां पर ये एक्स में 5 मीटर है, ठीक है, ये ऊपर कितना है, ये ऊपर आपका 5 मीटर है, ठीक है, और बाहर कितना है, मतलब ये देखो ये वाला प्लेन आपका, ये पॉइंट मान लो कहीं यहां पर है, कहां पर, जिस पॉइंट पर मेरी उंगली रखी है यहां पर, तो एक्स में कुछ 5 मीटर, ऊपर होगा 6 मीटर, तो 5 मीटर, तो आपने इसको लिख दिया 5i कैप, ऊपर होगा 6j कैप, वाई को जे कैप, और कुछ बाहर भी निकल रहा है, बाहर ज्यादा निकल रहा है, तो आपने कहा इसको 10k कैप। तो आपको, आपने जो इसको डायरेक्शन दी ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये बता रहा है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए। हालांकि हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे इसी मेथड से तो आपको पता पड़ जाएगा आई में कितना है, जे में कितना है, के में कितना है, क्लियर। तो आपको ये चीज, इसके ऊपर अलग से लेक्चर आएगा, टेंशन मत लो। तो बेसिकली ये यूनिट वेक्टर जो होता है वो बताता है, तो आप इसको बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में, आपने कहा 5i कैप + 6j कैप + 10k कैप, ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आपको, आपने इसको रिप्रेजेंट किया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, ये इसके बेसिक टाइप है, क्लियर। नाउ इसके बाद आपको मिलेगा इसका सेकंड पार्ट जिसमें हम सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर और क्वेश्चंस करेंगे जो भी पूछे जाते हैं ना। आओ तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें और वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपका ये फर्ज बनता है कि इन वीडियोस को आगे तक पहुंचाओ, भाई आगे तक पहुंचाओ। ये वीडियोस बनाने में थोड़ा सा जो है ना मज़ा जब ही आएगा जब आप इन वीडियोस को आगे तक पहुंचाओगे, अदरवाइज वैसे भी जो है बहुत ही मज़ा आ ही रहा है, क्लियर। तो इन वीडियोस को आगे तक पहुंचाने का काम आप ज़रूर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, जितना पॉसिबल है उतना कंट्रीब्यूट करें। मैं आपसे किसी पैसे का कंट्रीब्यूशन फिलहाल नहीं मांग रहा हूं, और भगवान ना करे मुझे ज़रूरत पड़े इस तरह, लेकिन आप कम से कम इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए सो दैट ये वीडियोस आगे बढ़ पाएँ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू ऑल आउट गाइज, थैंक यू।